तो आज के सेशन में हम शुरुआत करने वाले हैं लेबनी टेस्ट की, और लेबनी टेस्ट का हम जब यूज़ करते हैं जब हमको अल्टरनेटिंग सीरीज गिवन हो। अब ये अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है, तो अब इसके बारे में हम पहले समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, अल्टरनेटिंग सीरीज जैसे कि हमें नाम से पता चले कि फर्स्ट टर्म ऑलवेज आपका पॉजिटिव होगा, फिर आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। यानी कि प्रिसीडिंग टर्म्स जो होगा ऑलवेज बड़ा होगा आपके सक्सेसिंग टर्म से। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ अल्टरनेटिंग सीरीज की, ए आर अल्टरनेटिंग, ये होती क्या है ना। तो देखिए बेटा, सबसे पहले मैं आपको इसका एनर टर्म बताता हूँ कि एनर टर्म क्या होता है। समेशन माइनस वन पावर एन माइनस वन यू एन, ओके। अब अल्टरनेटिंग सीरीज का जो प्रोग्रेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, यू वन माइनस यू टू प्लस यू थ्री माइनस यू फोर प्लस डैश डैश इन्फानाइट, ओके। तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज कुछ इस तरीके की होती है। तो देखिए आपका यहाँ पे क्या है बेटा, आपका ये जो फर्स्ट टर्म है इसे हम क्या बोलेंगे, प्रिसीडिंग टर्म, और ये आपका सक्सेसिंग टर्म है, ठीक है, सक्सेसिंग टर्म। लेकिन इसके लिए जो प्रिसीडिंग टर्म है और इसके लिए जो सक्सेसिंग टर्म है, इसी प्रकार देखिए, अब ये आपका किसका है, प्लस का है, और ये आपका माइनस का, फिर देखिए प्लस का फिर माइनस का, यानी कि अब ये आपका क्या हुआ, सक्सेसिंग टर्म, सॉरी प्रिसीडिंग टर्म हुआ ये वाला, किसके लिए, इसके लिए, ठीक है। और इसके लिए क्या हुआ, ये सक्सेसिंग टर्म, ये बात तो सब जानते हैं, तो आपको बेसिक करा रहा हूँ, ठीक। तो यानी कि यहाँ पे जो प्रिसीडिंग टर्म होगा बेटा, आपका प्रिसीडिंग टर्म वो ऑलवेज बड़ा होना चाहिए किससे, सक्सेसिंग टर्म से, ठीक है, ये बात आप याद कर लें। और बेसिकली अगर आप कॉमनली भी सोचोगे तो ये बड़ा ही होगा प्रिसीडिंग टर्म ऑलवेज, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल बताऊँ इसका, तो यू एन, ठीक, तो सपोज आप मान के चलिए मैं वन लिख दूँ, प्लस का फिर माइनस का फिर प्लस का फिर माइनस का, तो यहाँ पे देखिए ये बड़ा है लेकिन ये छोटा है, फिर इससे ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अच्छे से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं वन वाले में, तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कर दूँ, वन अपॉन टू, सॉरी इसे मैं वन अपॉन वन ही रहने दूँ, यानी कि वन हो जाएगा, इसे वन अपॉन टू कर दूँ, इसे वन अपॉन थ्री कर दूँ, इसे वन अपॉन फोर कर दूँ, तो इसमें देखिए बेटा ये वाला टर्म आपका क्या है, बड़ा है, ये वाला छोटा है, ये वाला फिर बड़ा है इससे, ठीक है, फिर ये छोटा है, फिर ये वाला बड़ा है, तो ये वाला छोटा है। तो इस तरीके से आपने प्लस माइनस में क्या देखा कि अल्टरनेटिव सीरीज है। इसी प्रकार अगर आपका ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो जाए, फिर वन अपॉन एक्स प्लस वन, फिर आपका माइनस, फिर वन अपॉन एक्स प्लस टू, फिर आपका प्लस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री, तो ये भी आपकी अल्टरनेटिंग सीरीज है, ठीक है। तो आपको एक्स को इग्नोर करना है, ये देखना है आपका, तो वही सीरीज लिखी हुई है टू कॉपी, ठीक है, तो यहाँ पे घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन को ही मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा लेबनीज टेस्ट की मदद से कि ये आपका कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट, ओके। तो आप पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे रफ करता हूँ, और पहले इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व आउट करेंगे, फिर दूसरे वाले को, ठीक है, ओके। तो हम अब इसमें पहला क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा इसे हम समझ लेते हैं कि कब हमारा कन्वर्जेंट होगा, कब ऑसिलेटरी, ठीक है। देखिए कन्वर्जेंट ये कब होती है, आपकी अल्टरनेटिव सीरीज आपको गिवन है, ये वाली क्या है बेटा, अल्टरनेटिव सीरीज है। अब ये आपकी कब कन्वर्जेंट होगी, जब आपकी लेबनीज टेस्ट के अकॉर्डिंग दो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हों, तभी ये आपकी लेबनीज टेस्ट हो सकती है। तो देखिए पहली कंडीशन आपकी क्या लिखी है, ईच टर्म्स इन न्यूमेरिकली लेस देन द प्रिसीडिंग टर्म्स। अभी आपको बताया था ना मैंने, ये प्रिसीडिंग टर्म्स सक्सेसिंग टर्म से बड़ा होना चाहिए, यानी कि सक्सेसिंग टर्म्स आपके जितने भी हैं वो सब छोटे होंगे अपने प्रिसीडिंग टर्म से, ओके, यानी कि ये एक दूसरे से छोटे। देखिए इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, और लेकिन इससे ये छोटा, इससे ये छोटा है, ठीक है, इस तरीके से वही बात की जा रही है। तो यानी कि यू एन प्लस वन लेस देन यू एन, पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन इजकल टू जीरो अगर आपका आता है तो आपका कन्वर्जेंट कहलाएगा, यानी कि दूसरी कंडीशन भी अगर आपकी सेटिस्फाई होती है और जीरो आ जाता है यू बराबर, तो आपका वो
कन्वर्जेंट कहलाएगा। जैसा कि मैंने लिख भी रखा है, व्हेन बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन अल्टरनेटिंग सीरीज इज कन्वर्जेंट। ओके, यानी ये दोनों कंडीशन आपकी जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए, जब भी आपका अल्टरनेटिव सीरीज जो गिविन होगा वो आपका कन्वर्जेंट कहलाएगा। अदरवाइज ये ऑसिलेटरी कब कहलाएगा, अगर आपका लिमिट एन टेंस टू यू एन नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो के इक्वल ना आए, बल्कि उसके जगह पर कोई वैल्यू आ जाए, वन आ जाए, वन अपॉइंट टू आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक, तो वो ऑलवेज क्या कहलाएगा आपका, ऑसिलेटरी। या कोई माइनस में भी अगर कोई वैल्यू आती है तो वो क्या कहलाएगा आपका, ऑसिलेटरी, ठीक है, केवल वो जीरो ही आना चाहिए। चलिए फिर हम शुरुआत करते हैं इसकी। तो सबसे पहले हम इसका फाइंड आउट करेंगे यू एन, यानी कि एनर्थ टर्म इसका होगा क्या। ओके, यू एन इक्वल में आपका वन क्या है बेटा, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो वन अपॉन में क्या है आपका एन, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव, तो यू एन निकलाया, यू एन प्लस वन निकालते हैं अब इसका हम, ठीक है, यू एन प्लस वन, तो यू एन प्लस वन क्या हो जाएगा, वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्टी टेस्ट को चेक करने के लिए सिंपली अब हम लिखते हैं नाउ, नाउ अब हमें यू एन और यू एन प्लस वन का हमें क्या चेक करना है कि ये यू एन प्लस वन छोटा है या नहीं। तो अगर छोटा है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यू एन प्लस वन में से यू एन को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यू एन प्लस वन, लेकिन याद रहे मॉडुलस की कंडीशन में, माइनस यू एन, ओके, ठीक। तो आपका क्या है, वन अपॉन एन प्लस वन, आपका माइनस वन अपॉन एन। आगे की तरफ आप इसे जब सॉल्व आउट करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, एन माइनस वन, ओके, क्योंकि देखिए माइनस का, इसलिए माइनस का हो जाएगा, एन प्लस के वन एंड आपका एन, ठीक, एन से एन आपका कैंसिल, ठीक, तो आपका क्या बचा, माइनस के वन अपॉन एन प्लस के वन में आपका एन। तो ये देखिए आपका यू एन प्लस वन जो है माइनस में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो वही हम चीज़ चेक करना चाह रहे थे, ठीक है। वैसे तो हमें डायरेक्टली पता चल रहा था, लेकिन हमें मैथमेटिकली वहाँ पे बताना होगा, इसलिए ये माइनस में आ रहा है, तो हम बोलेंगे इसे दिस इज लेस देन जीरो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यू एन प्लस वन मॉड्यूलस में वन लेस देन यू एन ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ओके, जब इतना हमें पता चल गया, ठीक है, यानी कि फर्स्ट जो कंडीशन है आपकी वो यहाँ पे क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है बेटा। अब दूसरी कंडीशन क्या है आपकी, लिमिट एन टेंस टू यू एन इक्वल टू जीरो, तो आप इसे लिखिए कंडीशन नंबर टू के लिए। चलिए मैं ब्लैक से कर देता हूँ इसे, चलो रेड ले लेते हैं, यू एन लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट, ओके बेटा। उसके बाद हमें यू एन लेना है, तो यहाँ पे भी आप लिमिट लगा लीजिए पहले, लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट, तो आपका यू एन क्या है, वन अपॉन एन, वन अपॉन एन है तो ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा आपका जीरो, कैसे, वन अपॉन इन्फाइनाइट इजकल टू आपका जीरो, जीरो, तो यहाँ पे हम लिख देंगे द गिविन सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन सीरीज आपकी क्या है, कन्वर्जेंट है, क्यों है बेटा कन्वर्जेंट, क्योंकि दोनों कंडीशन यहाँ पे जो है सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि वो जीरो के इक्वल में आ रहा है, और ये आपका प्रिसीडिंग टर्म्स जो है वो बड़ा है आपका सक्सेसिंग टर्म से, ठीक है। अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं फटाफट से, इसका हम यू एन निकाल लेते हैं, यू एन वही रहेगा, ठीक है, वन अपॉन एक्स प्लस एन, बस यहाँ पे एक्स ऐड हो जाएगा। नाउ यू एन प्लस वन इसका निकालते हैं, तो वन अपॉन एक्स प्लस एन प्लस वन, बंद कर दीजिए। इसके बाद हम फर्स्ट कंडीशन को निकालेंगे यहाँ पे, तो यू एन प्लस वन माइनस कर देंगे यू एन से,
ठीक है, यू एन को माइनस कर देंगे यू एन प्लस वन में से, तो हमारा क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स प्लस एन प्लस वन। उसके बाद आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए बेटा वन एक्स प्लस एन को, आगे की तरफ सॉल्व आउट करोगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एन, ये माइनस आपका एक्स हो जाएगा, माइनस का आपका एन, और ये माइनस का आपका वन। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्स प्लस एन प्लस वन, ठीक है चलिए पूरा बंद कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे एक्स प्लस एन, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्स प्लस का है और एक माइनस का है, कट हो गया, इसी प्रकार आपका एन हो गया, बचा क्या माइनस के वन, तो माइनस के वन अपॉन एक्स प्लस एन प्लस वन, इसी प्रकार आपका एक्स प्लस एन, ओके। तो यानी कि एक्स को आप यहाँ पे क्या मान लें, एक्सेप्ट एक्स एज अ नेगेटिव इंटीजर। अगर आप इसे एक्स को नेगेटिव इंटीजर मान लोगे तो एन प्लस वन एंड एन बचेगा, तो आप यहाँ पे कर सकते हो लेस देन जीरो, यानी कि ये क्या है आपका जीरो से छोटा। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन फर्स्ट जो है वो सेटिस्फाई कर रही है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे यू एन प्लस वन, ओके लेस देन यू एन, ठीक, ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ठीक बेटा। यानी कि फर्स्ट कंडीशन जो है आपकी यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि जितने भी आपके टर्म्स हैं वो प्रीसीडिंग टर्म से छोटे हैं, ठीक है। अब आगे की तरफ हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, तो सेकंड कंडीशन में बेटा क्या है आपका, सेकंड कंडीशन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनाइट यू एन इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनाइट, यू एन आपका क्या है वन अपॉन एक्स प्लस एन, यही है ना, वन प्लस एक्स अपॉन सॉरी वन प्लस एक्स प्लस एन, ठीक है। अब इसमें आप लिमिट का फॉर्मूला लगाइए तो आपका क्या हो जाएगा, ये वन अपॉन एक्स प्लस इन्फिनाइट हो जाएगा, करेक्ट करेक्ट हो जाएगा बेटा। तो आप इसे लिख सकते हो एज अ नेगेटिव मान लीजिए इसे, तो वन अपॉन इन्फिनाइट यानी कि आपका ये क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। इसे नेगेटिव मान लीजिए एज अ, तो आपका ये क्या हो जाएगा इन्फाइनाइट ही होगा, क्योंकि देखिए अब आपसे मैं बोल रहा हूँ ना एज अ नेगेटिव आप मान लोगे तो देखिए वन अपॉन, अब एज अ नेगेटिव वैल्यू आपने मान ली वन, ठीक है, माइनस के कितना वन, तो प्लस के इन्फाइनाइट, तो आप इन्फाइनाइट में से चाहे माइनस कीजिए चाहे प्लस कीजिए, ऑलवेज क्या होता है वो वन अपॉन इन्फाइनाइट ही होगा, तो इन्फाइनाइट में वन का डिवाइड, इन्फाइनाइट से वन में डिवाइड तो जीरो, तो जीरो आ रहा है, यानी कि आपकी सेकंड कंडीशन भी क्या कह रही है बेटा, ये वाली सेकंड कंडीशन भी अप्लाई हो रही है वहाँ पे, यानी कि सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो ये भी आपकी सीरीज क्या कहलाएगी, कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल बताए, चलिए मैं एक तीसरा क्वेश्चन और बताता हूँ आपको कि वो आपको कैसे करना है। अब हम इस वाले क्वेश्चन को निकाल के देखते हैं ये आपका कन्वर्जेंट है या फिर ऑसिलेटरी है, ठीक है। चलिए यू एन सबसे पहले निकालते हैं इसका हम, यू एन, यू एन बेटा इसका क्या हो जाएगा वन टू थ्री फोर, यानी कि नेचुरल नंबर चल रहे हैं, एन कर दीजिए। अच्छा अब इसको हमें निकालना है, यानी कि फर्स्ट टर्म पे आपका सिक्स आ जाए ऐसा कुछ करना हमें, तो देखिए फाइव एन माइनस के वन कर लीजिए, ठीक है। तो आपका देखिए फाइव इंटू वन माइनस के वन, माइनस के वन नहीं सॉरी प्लस के वन कर लीजिए बेटा, ठीक है प्लस के वन, तो आपका ये फाइव इंटू फाइव यानी कि सिक्स हो गया। इसी प्रकार आप यहाँ पे सॉरी इसी प्रकार सेकेंड टर्म आप निकालोगे तो फाइव इंटू टू प्लस के वन यानी कि इलेवन, ठीक है निकल रहे हैं ना, तो यानी कि ये सही है, ठीक। मैं इसे रफ कर दूँ, नोट करना चाहे कर लीजिए, ओके आपका ये हो गया फाइव एन प्लस के वन। अब इसका हम निकाल लेते हैं यू एन प्लस वन, ठीक यू एन प्लस वन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे एन प्लस वन,
अपॉन 5n प्लस 5 हो जाएगा, यानी कि आपका 6। ओके, तो मैं सिर्फ इतना ही लिखूंगा, इसे आगे आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे एक और तरीका आपको बताने वाला हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा ये सॉल्व ना करना पड़े, अगर पता करना है तो। ठीक, जैसे कि आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि 1/6 बड़ी वैल्यू होती है 2/11 से जब वो माइनस की हो, ठीक है। इसी प्रकार ये आपकी कैसी छोटी वैल्यू है 2/11 से जब माइनस में है वो, ठीक। यानी कि हमें यहाँ पे जब पता चल रहा है तो फर्स्ट कंडीशन जो होगी हमारी, कंडीशन फर्स्ट, ठीक, तो यहाँ पे वो सेटिस्फाई करेगी, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं उसे, यू एन प्लस वन, ठीक, और आपका लेस देन यू एन, ठीक, ऑल एनस टर्म बिलोंग्स टू एन, ठीक। यानी फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी यहाँ पे, सेटिस्फाई कर रही है। अब दूसरी कंडीशन पे लेते हैं हम उसे, कंडीशन नंबर नंबर टू। तो कंडीशन नंबर टू क्या है हमारी, यू एन किस में है बेटा, लिमिट में, एन टेंस टू इन्फानाइट, यू एन आपका क्या है बेटा, आपका एन अपॉन 5n प्लस के 1, सॉरी आप यहाँ पे हमें लिमिट और लिखना पड़ेगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फानाइट, फिर है आपका एन अपॉन 5n प्लस 1। अब आप आगे की तरफ इसे करोगे तो लिमिट एन टेंस टू इन्फानाइट, तो n है आपका, यहाँ से आप 5n को कॉमन ले लीजिए, या फिर आप सिर्फ n को ही कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप 5 कीजिए प्लस 1 अपॉन n कर लीजिए, ठीक है। n से n आपका क्या हुआ, कैंसिल हुआ, आपका क्या बचा, ये आपका ये बचा लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन n। जब आप यहाँ पे n की जगह पर इन्फानाइट रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन इन्फानाइट, और आपका ये क्या हो जाएगा, 0, 1 अपॉन 5 प्लस 0, यानी कि ये आपका हो गया 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5 यानी कि नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 के बराबर नहीं आ रहा है वो, सॉरी, ठीक है, हाँ वही है ना, सही है, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है बेटा, यानी कि 1 अपॉन 5 आ रहा है, तो 0 तो आ ही नहीं रहा, तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा आपका, ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी, ठीक है, यानी कि ये कन्वर्जेंट नहीं है आपका, ऑसिलेटरी है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही थी लेकिन दूसरी कंडीशन ने यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं किया, क्योंकि वो 0 के बराबर नहीं आ रही है, मैंने जैसा ही लिखा भी, तो 1/5 आ रहा है, इसलिए वो क्या है आपका, ऑसिलेटरी। अब चलिए एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे निकालता हूँ जो कि एक्सरसाइज का है वो भी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे फोर्थ क्वेश्चन को, ठीक है, और इसे भी हम चेक करते हैं कि ये आपका ऑसिलेटरी या फिर कन्वर्जेंट। ओके, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका एनथ टर्म, यानी कि यू एन आपका 1 कॉन्स्टेंट चल रहा है तो बेटा आप 1 कर लीजिए, ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज का सवाल है, ठीक है। अब आपका फर्स्ट टाइम पे तो देखिए 1 आ रहा है, तो आप n मत लिख देना यहाँ पे बिना सोचे समझे, क्योंकि सेकंड टाइम पे आपका 3rd आ रहा है उस साइड में, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप चेकआउट कर लीजिए n, यानी कि 2n कीजिए और माइनस 1 कर दीजिए आप, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 आपका ऑलवेज 1 होता है, इसी प्रकार आप 2 इंटू 2 माइनस 1 ऑलवेज आपका 4 माइनस 1 यानी कि 3 होता है, तो आ रही है सेकंड कंडीशन, तो थर्ड भी वही आएगी, ठीक है, यानी कि ये कंडीशन पहले वाले के लिए ठीक है। तो 2n, चलिए मैं अच्छे से लिखता हूँ, इसे रफ कर देता हूँ, 2n माइनस 1, ओके। अब हमें चेक करना है 2 को कि 2 फर्स्ट कंडीशन पे कैसे आ रहा है, तो देखिए 2, 2 2 या 4, 2 3 या 6, 2 4 या 8, यानी कि 2 की टेबल है, तो आप सिंपली यहाँ पे 2 इंटू n कर दीजिए, ठीक है, तो आपका यू एन निकल आया। अब आप इसका यू एन प्लस 1 निकालोगे तो यू एन प्लस 1 इक्वल में आपका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2n है आपका, यानी कि 2n प्लस 2 होगा, यानी कि 1, यानी कि आपका ये हो जाएगा प्लस 1, ठीक। ये कैसे किया मैं आपको बता देता हूँ, 2n प्लस 2 माइनस आपका 1 था, तो आपका ये 2n प्लस के 1 बचा, ठीक बेटा, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है मैंने, रफ कर दूँ इसे, ठीक है, और आपका ये हो जाएगा 2n प्लस 2, ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 है इसलिए 2। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं हम, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो फर्स्ट कंडीशन के लिए,
फर्स्ट कंडीशन के लिए लिख सकते हो यू एन प्लस वन, क्योंकि हमें यहीं से पता चल रहा है कि हाँ प्रिसीडिंग टर्म बड़ा है सक्सेसिंग टर्म से, तो यू एन प्लस वन लेस देन यू एन ऑल एनस्ट टर्म बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं हम, कंडीशन नंबर टू। तो कंडीशन नंबर टू में हम क्या करेंगे बेटा, यू एन किसके साथ में, लिमिट के साथ में, एन टेंस टू इन्फानाइट, आपका यू एन कितना है वन अपॉन टू एन माइनस के वन, और ये आपका कितना है टू एन, टू एन, ओके। अब इसे आगे की तरफ सॉल्व आउट करते हैं, मैंने यहाँ पे लिमिट नहीं लिख पाई, ठीक है, तो लिमिट है ये सपोज, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से लिख दूंगा मैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फानाइट आपका वन अपॉन में आपका कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से टू एन आपने कॉमन लिया और टू एन है, तो आपका ये कितना हो जाएगा फोर एन स्क्वायर, और आपका यहाँ पे क्या बचा वन माइनस के वन अपॉन के टू एन, यही बचा, ठीक है। जब आगे तरह आप इसे सॉल्व आउट करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, यानी कि वन बचेगा, यानी कि आपका, और ये क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। तो चलिए मैं पूरा सॉल्व भी कर देता हूँ, वन अपॉन फोर है आपका फोर इंटू इन्फिनाइट की पावर, देन आपका ये वन, ठीक है बेटा, और ये आपका कितना हो जाएगा वन वन माइनस के वन अपॉन टू इंटू इन्फिनाइट, ओके। सो आप इसे जब आगे तरफ सॉल्व आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये वन आप कर लीजिए वन अपॉन में आपका फोर, ठीक है, और देखिए इन्फिनिटी की पावर अगर टू हो तो वो ऑलवेज इन्फिनिटी होता है, आपको बता चुका हूँ प्रॉपर्टीज़ में, और आपका इन्फिनिटी होता है, यानी कि इन्फिनिटी से आप किसी वैल्यू में अगर मल्टीप्लाई करते हो तो वो ऑलवेज इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ पे आप क्या कर दें इन्फिनिटी कर दें, ठीक है, वन माइनस के वन अपॉन टू इन्फिनिटी, यानी कि ये भी आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी से जब आप वन में डिवाइड दोगे तो वो जीरो हो जाएगा, जीरो और वन वन होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई वन, अब मल्टीप्लाई करोगे इन्फिनिटी का इन्फिनिटी में तो ऑलवेज इन्फिनिटी होगा, ठीक है, और इन्फिनिटी से वन में डिवाइड दोगे तो आपका क्या होगा बेटा जीरो, जब जीरो आ रहा है तो आपकी सीरीज क्या होगी यहाँ पे कन्वर्जेंट जेंट, ठीक है, तो आपकी सीरीज हो जाएगी कन्वर्जेंट, क्योंकि दोनों कंडीशन यहाँ पे क्या है सेटिस्फाई कर रही हैं आपकी। तो आज के सेशन में बस इतना ही, और मैंने आपको फोर क्वेश्चन यहाँ पे कराए इस वजह से जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आने वाले सेशंस में हम बात करेंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट और आपका कंडीशनल कन्वर्जेंट की, जो कि लेबनिज़ टेस्ट से ही निकाले जाते हैं और उनमें अल्टरनेटिंग सीरीज ही यूज़ की जाती है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन के साथ, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो अपना फीडबैक देकर के कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हो आप मुझे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग, जय हिंद जय भारत।